कैड के अंदर 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं और उसमें प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। अब हम सिलेंडर का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने बॉक्स का अभ्यास किया था। जैसे बॉक्स में होता है ठीक इसी तरह से सिलेंडर में भी हमें ऑटोकैड में वहाँ क्लिक करना होता है उसके आइकॉन के ऊपर, और हमें जो जो भी बताया जाता है उस हिसाब से इनपुट देने होते हैं। सिलेंडर का शेप कैसा होता है हमें पता है कि उसका थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। आइए ऑटोकैड शुरू करते हैं। ऑटोकैड में जैसे हमने बॉक्स में देखा था कि किसी प्रकार से यहाँ उनका मेनू होता है, मेनू देख लेते हैं पहले। तो यहाँ बॉक्स था, वहाँ सिलेंडर वाला भी है। सिलेंडर क्लिक करने के बाद यहाँ परमानेंट सिलेंडर फिक्स हो जाता है जब तक दूसरा कमांड नहीं आ जाता है। सिलेंडर के क्लिक होने के बाद यहाँ जो नीचे दिख रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस, तो मैं सबसे पहले जो बेसिक सिलेंडर है वही बनाऊंगा। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मतलब मैंने यहाँ समझो 0.0.0 ये सेंटर पॉइंट दिया। अभी बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस, रेडियस समझो मैं 25 की दे रहा हूँ तो 25 की रेडियस आ गई। और इसकी हाइट जैसे आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में या MD में आता था मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में, एक सिलेंडर होता है उसका नीचे का डायमीटर 50 का होता है, हाइट 80 को मैं 80 का बनाता हूँ। तो ये सिलेंडर बन गया, 80 वाला सिलेंडर रेडी हो गया। तो सिलेंडर में क्या करना है आपको, कमांड देना है सिलेंडर, उसके बाद आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको रेडियस यहाँ लिखनी है, जो भी रेडियस आपको पता है वो लिखिए। अगर रेडियस नहीं डायमीटर पता है तो आपको डायमीटर का डी क्लिक कीजिए, डी, और लिखिए कि मेरा डायमीटर कितना है तो क्या 40 का है तो डायमीटर 40, और हाइट अगर मालूम है आपको तो लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो आप इसका यहाँ से इसे कहीं भी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मालूम है कि मेरी हाइट मुझे मालूम है कि 5 mm की है तो 5 mm की एक चपाती हमने बना दी, ठीक है। तो ये अपना एक शेप आ गया। सिलेंडर मतलब पतला वाला भी हो सकता है, ज़्यादा वाला भी हो सकता है, आप कोई भी सिलेंडर बनाओ। तो मैं जो सिलेंडर में फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, डायमीटर कितना है तो मैं 2.5 रेडियस डालता हूँ और हाइट में डालता हूँ 100, तो ये भी चीज़ बन जाएगी। मतलब आप जितने भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट देते हैं सिलेंडर शेप के, कोई सलिया होता है या कोई प्लेट होती है, कोई फ्लेंज होती है, वो कोई ना कोई शेप में से बनता है, तो उसको डायमीटर होता है, हाइट होती है, वो आप देना आ गया तो आप ये सिलेंडर कमांड से बना सकते हैं। अभी सिलेंडर कमांड में दूसरे ऑप्शंस भी हैं, सिलेंडर कमांड इसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जैसे 3.2.TTR ये सब जैसे हमें सर्कल कमांड में ऑप्शन मिलते थे, ठीक इसी प्रकार से आप 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं। समझो आपके पास कोई लाइन है, जैसे लाइन आपने ड्रॉ करके रखी थी और आपने सिलेंडर कमांड दिया है, अभी इसमें हमें 2 पॉइंट कमा देते हैं 2 पॉइंट, तो पहला वाला कौन सा, तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला कौन सा है ये है। तो आप ऐसे भी नीचे का बेस बना के उसका हाइट ले सकते हो। इसका मतलब है कि आप सिलेंडर बनाने से पहले सर्कल बनाते हो, तो सर्कल बनाने के लिए आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट सब मिलता है। समझो आपने एक ये लाइन बना के रखी है ऐसे, और आप ये सोचते हैं कि मुझे अभी ये तीनों पॉइंट में से पास होने वाला सर्कल और सिलेंडर बनाना है, तो वहां भी आप सिलेंडर लिख से 3P दे दो, 3P क्लिक कर दीजिए। तो पहला वाला सर्कल ये है, दूसरे वाला ये है और तीसरे वाला ये है, और बाद में हाइट दे दो तो भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको सिलेंडर बनाने के लिए जो जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो सब पैरामीटर्स ऑटोकैड ऑफर करता है, आपको सिर्फ इनपुट देना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको चाहिए कि आपको सिलेंडर चाहिए लेकिन वो सर्कुलर शेप वाला नहीं इलिप्टिकल शेप वाला चाहिए, तो वो भी वो बना के देता है। तो सिलेंडर कमांड देके आपको लिखना है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल करना है। तो उसमें भी क्या है, आप सेंटर दे सकते हो, यहाँ मैंने सेंटर दिया, बाद में ये जा रहा है पहला एक्सिस, दूसरा एक्सिस और ऐसे, तो आपका जो वही क्रॉस सेक्शन था सर्क्यूलर वाला उसको मैंने खींच के बना बड़ा करता था, उसके बदले इलिप्टिकल शेप को भी बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपके पास दूसरे ऐसे कोई शेप हैं जो सलिए ही हैं या इसी कोई डिश भी है वो इलिप्टिकल शेप की है, वो भी आप ऑटोकैड में बेसिक प्रिमिटिव से जनरेट कर सकते हैं और उसके कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं, आप इसको भी कहीं ना कहीं इसे घुमा सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं,
यहाँ है उसके बाद आपको यहाँ ले जाना है, इसकी कॉपी भी करनी है तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तीन चार कॉपियाँ बनानी है, यू कैन डू इट। मतलब जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक आपको एक बोल्ट बना लिया, बाद में आपको उसकी कॉपी करो 3D में, तो आप अपने आप को सब बनता रहता है। तो सिलेंडर में जो मैं यहाँ छोटा सा बना के रखा था, तो पहले चीज है कि आप सेंटर पॉइंट दीजिए, बाद में रेडियस दीजिए, डायमीटर दीजिए और हाइट दीजिए, एक इससे तो बनता ही है। इसके सिवा आप 3P से ऑप्शन देंगे तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीन बार क्लिक करना पड़ेगा और बाद में हाइट देंगे। सिंपली आप ड्रॉ करते हो तो सिर्फ एक बार रेडियस लिख दो और हाइट दे दो, 3P लिखते हो तो तीन बार क्लिक करना पड़ता है, और इलिप्टिकल में जाते हो तो आप उसमें एक्सिस के सेंटर पॉइंट के हिसाब से आपको दोनों एक्सिस की लेंथ देनी पड़ती है, उसके एंड पॉइंट भी दे सकते हैं, लेंथ भी दे सकते हैं, और वो होने के बाद लास्ट वाला स्टेप है ना वो हाइट वाला है। मतलब सबसे पहले जो चार पांच कमांड के ऑप्शंस हैं उसमें हम नीचे का सर्कल बनाते हैं या एलिप्स बनाते हैं, वो उसके बाद लास्ट वाला स्टेप है वो उसको हाइट में कन्वर्ट कर देता है, जितना जो बना था उसको खींच के लंबा कर देता है। इसके सिवा भी सिलेंडर है, देखिए आपने इलिप्टिकल बेस लिया है और उसमें भी आप सेंटर जानते हैं, तो सेंटर पॉइंट क्लिक करने के बाद मेजर एक्सिस का डिस्टेंस और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस, इसने मेजर माइनर नहीं लिखा है क्योंकि हमें पहले भी माइनर भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, इसने इसने फर्स्ट और सेकंड एक्सिस लिखा है। तो इस हिसाब से हम क्लिक करेंगे तो भी हमें पूरा नीचे का इलिप्टिकल शेप मिल जाएगा, और बाद में हमें वो उसको हाइट देंगे तो वो खींच के लंबा हो जाएगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन अभी मैं यहाँ डेमो करके दिखाता हूँ। सबसे पहला कर देते हैं सिलेंडर, सिलेंडर में मैंने इलिप्टिकल, इलिप्टिकल में भी यहाँ हो गया सेंटर, सेंटर में मैंने किया 0.0.0। अभी पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, तो हमारे फर्स्ट एक्सिस का डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ऑर्थो ऑन ही है लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ऑन हो गया, क्योंकि कंट्रोल डायरेक्शन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा शेप इधर उधर चला जाता है। मेजर एक्सिस समझो कि 100 वाली है और माइनर एक्सिस समझो हमारी 50 वाली है, तो 100 और 50 वाली यहाँ है, और यहाँ मैं हाइट पे जाता हूँ वो जाता हूँ 30। तो ये हमारा एक छोटा सा कुकीज या बिस्किट बन गया। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन चलता रहेगा, फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस। तो सिलेंडर में बस इतना ही है, अभी उनके कॉम्बिनेशन से भी काफ़ी शेप्स बन सकते हैं। समझो आपको ट्यूब बनानी है, ट्यूब कैसे बनाओगे, तो ट्यूब भी आप दो सिलेंडर हैं उनको साथ साथ में छोड़ के बना सकते हैं। एक ट्यूब का सैंपल देता हूँ, चलो यहाँ मैं सिलेंडर बनाया, उसको मैंने यहाँ ऐसे बना दिया, उसका 50 का डायमीटर है और उसकी हाइट 80 की है, दूसरा है यहाँ से 40 का और 80 का, तो ये एक दूसरे के ऊपर मैं ओवरलैप कर देता हूँ, तो ये हमें क्यूब में कन्वर्ट कर देगा, सुविधा देगा। इसका मैं सेंटर है इसके सेंटर पे रख देता हूँ, तो एक दूसरे के ऊपर आ गए। इसको भी मैं ये से देखो सिलेट के बदले जैसे 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ, देख सकते हैं कि एकदम सिंपली बना के रख दिया मैंने। और भी कमांड्स है ज्यादा उसको कैसे मॉडिफाई करने का वाला, लेकिन मैं भी प्रिमिटिव से सिखा रहा हूँ इसलिए कुछ दूसरी चीज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रिमिटिव में हमें सिलेंडर कैसे बनाना चाहिए वो देख लिया। सिलेंडर बनाने के काफ़ी मेथड्स हैं, आप उसमें जाए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो 20-25 मेथड मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिक है मैंने चार प्रकार के दिखाई। पहला मेथड सेंटर पॉइंट रेडियस एंड हाइट, दूसरा वो है 3 पॉइंट और हाइट, इसके वाला है 2 पॉइंट एंड हाइट, यहाँ इलिप्टिकल शेप में भी सेंटर देके एंड पॉइंट देके हाइट, और यहाँ सेंटर पॉइंट देके डिस्टेंस दोनों एक्सिस का देके हाइट। तो चार प्रकार के ऑप्शन मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिए हैं, बाकी के ऑप्शन आप बना सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये सब लिखना होता है कि आपको एक शेप दिया है, आपको पूछा जाता है कि आप ये शेप कैसे बनाओगे, तो आपको एक कमांड के साथ ये सब लिखना पड़ता है।
इसलिए मैं सब ये लिख के आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिखना होगा तब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो शेप है वो स्फीयर है, इनके बारे में भी आगे देखते हैं।